एबी डिविलियर्स आज के क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जो इस खेल में अपनी तरह का एकमात्र बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने आंकड़ों को रिकॉर्ड्स में बदलने की जगह क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजी की परिभाषा को बदलने का काम किया और एक ऐसी शैली को जन्म दिया जो उनके बाद भी शायद कोई बल्लेबाज नहीं अपना पाएगा। इस वीडियो में हम एबी डिविलियर्स के शानदार करियर के दौरान उनके द्वारा खेली गई 5 ऐसी पारियां लाए हैं जिनमें उस शैली और इस खिलाड़ी के खेल का प्रतिबिंब नजर आता है। कुछ ऐसी पारियां जो इस खिलाड़ी को महान साबित करने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है 129 वर्सेस गुजरात लायंस आईपीएल 2016। हमेशा अपनी बल्लेबाजी लाइनअप के लिए एक तगड़ी टीम मानी जाने वाली आरसीबी ने 2016 आईपीएल सीजन में अपनी ताकत यानी बल्लेबाजी का प्रयोग बखूबी और सही ढंग से किया था, जिसमें कप्तान कोहली ने अपनी टीम की अगुवाई की थी और उनका साथ इस सदी के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स दे रहे थे। इस जोड़ी ने साथ में वैसे तो आईपीएल में कई बार साथ में मिलकर सैकड़ों रन बनाए हैं, लेकिन गुजरात लायंस की टीम के खिलाफ उनकी एक साझेदारी उन सब में अपना अलग स्थान रखती है। यह बात है साल 2016 के आईपीएल सीजन के 44वें मैच की जो बेंगलुरु के मैदान पर खेला गया था। गुजरात लायंस के कप्तान मैकुलम ने टॉस जीतकर कोहली की सेना को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। चौथे ओवर तक बेंगलुरु की विस्फोटक बल्लेबाजी बिल्कुल शांत थी और लायंस का फैसला सही साबित होता लग रहा था। पहली विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे डिविलियर्स ने सदी शुरुआत के साथ अपने कदम जमाए और पहली 6 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर विराट कोहली के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इसके बाद अपने समय के इन दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों ने विरोधी टीम के हर गेंदबाज को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। शुरुआत भले ही कोहली ने की, लेकिन फिर डिविलियर्स ने ड्राइविंग सीट संभाली और कप्तान साहब पीछे पीछे धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। डिविलियर्स ने अपना जाना पहचाना रौद्र रूप इस सीजन में शायद लायंस के लिए ही संभाल के रखा हुआ था। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर 3 लगातार बाउंड्रीज की मदद से डिविलियर्स ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 13वें और 15वें ओवर में 10-10 रन बटोरने के बाद अगले ओवर में डिविलियर्स ने प्रवीण कुमार की 6 गेंदों पर 23 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। यहां तक कोहली 40 गेंदों में 51 रन बनाकर अपने साथी की लाजवाब बैटिंग का लुत्फ उठा रहे थे और कोहली ही क्यों, उस मैच को देखने वाला हर शख्स उस दिन डिविलियर्स का मुरीद बन बैठा था, फिर चाहे वो गुजरात का ही क्यों ना हो। एबीडी ने आगे भी अपना मास्टर क्लास जारी रखा और यहाँ से कोहली भी उनके रंग में उनके साथ हो गए। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रन बनाए और अगले ओवर में कोहली ने अकेले यह जिम्मा उठाया और कौशिक की गेंदों पर 30 रन बटोर लिए। 19वां ओवर खत्म हुआ और बोर्ड पर 233 का स्कोर दिखाई दे रहा था और बेंगलोर ने अभी तक सिर्फ एक विकेट गंवाई थी। अंतिम ओवर में कोहली अपना शतक पूरा करने के बाद ब्रावो को कैच थमा बैठे और इस तरह यह अद्भुत बैटिंग पार्टनरशिप खत्म हुई। डिविलियर्स 129 रन बनाकर नाबाद रहे और बेंगलोर ने 249 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। दो धुरंधर बल्लेबाजों के कहर से टूट चुकी लायंस की टीम को ढेर करने में बेंगलोर के गेंदबाजों को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। गुजरात लायंस यह मैच 144 रनों के भारी अंतर से हार गई। चौथे नंबर पर है 33 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2012। मैदान पर अपनी तूफानी बैटिंग लाइनअप के लिए मशहूर डिविलियर्स को हमने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज को धूल चटाते देखा है, लेकिन क्रिकेट में महानता किसी खिलाड़ी को तभी नसीब होती है जब वह खिलाड़ी परिस्थिति के अनुसार खुद को और खुद के खेल को ढालने में सक्षम हो जाता है। डिविलियर्स एक ऐसे ही खिलाड़ी थे जो समय आने पर मात्र कुछ ही मिनटों में मैच का रुख बदल देते थे तो समय आने पर घंटों बैटिंग क्रीज पर डटे भी रहते थे। अपनी दूसरी काबिलियत का सबसे नायाब नमूना इस खिलाड़ी ने विश्व क्रिकेट को साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की धरती पर दिखाया था। बात है 22 से 26 नवंबर साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए एडिलेड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइकल क्लार्क के दोहरे शतक की मदद से 550 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। जवाब में उत्तरी अफ्रीकी टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और कप्तान ग्रेम स्मिथ के शतक की मदद से सिर्फ 338 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। यहाँ डिविलियर्स का योगदान मात्र 1 रन का ही था। एक बड़ी बढ़त के साथ मैदान पर फिर से कंगारू टीम बल्लेबाजी करने उतरी और इस बार 267 के स्कोर पर पारी घोषित हो गई। अफ्रीका को जीतने के लिए 430 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था, लेकिन समय महज 1.5 दिन का ही बचा था। अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया को जीत नजर आने लगी थी। अगले दिन डिविलियर्स और डू प्लेसिस ने अपनी टीम को हार के मुंह से बचाने में लग गए, जिसमें डिविलियर्स 246 मिनट क्रीज पर खड़े रहे और सिर्फ 33 रन बनाए, जिसके लिए इस बल्लेबाज ने 220 गेंदों का सामना किया था और इस पारी के दौरान डिविलियर्स के बल्ले से एक भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला। पीटर सिडल की गेंद पर आउट होने से पहले एबी ने मैच को ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकाल दिया था, जिसमें प्लेसिस की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। डिविलियर्स की इस अचंभित कर देने वाली इस पारी की बदौलत अफ्रीका यह मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा, जिसमें एक वक्त पर उनकी हार साफ नजर आ रही थी। 162 वर्सेस वेस्टइंडीज 2015।
2015 वर्ल्ड कप। दक्षिण अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड कप के मंच पर पहली बार विश्व चैंपियन बनाने का जिम्मा साल 2015 के वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स को दिया गया था। 27 फरवरी साल 2015 वर्ल्ड कप का 19वां मैच वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें सिडनी के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत थी, क्योंकि सामने की टीम में एक से बढ़कर एक तूफानी बल्लेबाज मौजूद थे। सलामी जोड़ी की अच्छी शुरुआत के बाद 30वें ओवर में जब क्रिस गेल ने पहले प्लेसिस को 62 और बाद में अमला को 65 के स्कोर पर आउट कर दिया, तो 5वें नंबर पर डिविलियर्स बल्लेबाजी करने उतरे। 146 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने उतरे डिविलियर्स ने अपनी पहली 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और इस सधी शुरुआत के साथ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। 26 गेंदों में 36 के स्कोर पर खेल रहे डिविलियर्स ने 40वें ओवर से अपनी बल्लेबाजी को गति देना शुरू किया और ओवर की 5 गेंदों में 16 रन बनाकर टीम का स्कोर 258 तक पहुंचा दिया। इसके बाद हर गेंद पर एबी अपने रंग में नजर आए और देखते ही देखते उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद एबी ने अगले 21 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 48वें ओवर में 34 रन बनाकर टीम का स्कोर 364 तक पहुंचा दिया। एबी ने आखिरी ओवर में 30 रन बटोरे और 162 के स्कोर पर डिविलियर्स नाबाद ड्रेसिंग रूम में लौटे और अब अफ्रीकी गेंदबाजों को 409 का बड़ा लक्ष्य बचाना था। एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 66 गेंदों में 17 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 162 रनों की तूफानी पारी खेली थी। आगे डिविलियर्स के गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी पूरा किया और वेस्टइंडीज टीम को 151 के स्कोर पर आउट कर अफ्रीका को 257 रनों की बड़ी जीत दिलाने में मददगार साबित हुए। दूसरे नंबर पर है 278 वर्सेस पाकिस्तान 2010। नवंबर 2010 अबू धाबी के मैदान पर अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका ने 35 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। टीम मुश्किल में नजर आ रही थी और पाकिस्तान के गेंदबाज हावी थे। ऐसे में अफ्रीका को मुश्किल से बाहर निकालने का जिम्मा एबी डिविलियर्स ने उठाया। 12वें ओवर में ग्रीम स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे डिविलियर्स ने एक छोर संभाल लिया और लगातार अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। पहले दिन जल्दी ही मैदान पर उतर चुके एबी ने दूसरे दिन आखिरी सेशन तक बल्लेबाजी की और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 584 तक पहुंचा दिया था। एबी के बल्ले से इस बीच 418 गेंदों में 258 रनों की नाबाद और जरूरी पारी आई, जिसमें 23 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। मैच आखिरकार ड्रा पर समाप्त हुआ और डिविलियर्स को अपनी शानदार मास्टर क्लास के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और हमारी इस लिस्ट में पहला नंबर है 149 वर्सेस वेस्टइंडीज 2015। दोस्तों जरा सोचिए कि एक बल्लेबाज किसी वनडे मैच में पारी के 39वें ओवर में बल्लेबाजी करने आता है और पारी के खत्म होने से पहले आउट भी हो जाता है, तो इस बीच वह बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा कितने रन बना सकता है। जाहिर है अगर बल्लेबाज का नाम एबी डिविलियर्स हो तो यह आंकड़ा हमारी सोच से परे भी पहुंच सकता है। ऐसा ही कुछ साल 2015 के पहले महीने की 18 तारीख को हुआ था। वेस्टइंडीज और अफ्रीका के वनडे सीरीज का दूसरा मैच जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेला गया था, जिसमें अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और जो भी बल्लेबाज मैदान पर खेलने उतरा उसने मैच में अपना प्रभाव डाला और शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार यह पूरा मैच एबी डिविलियर्स के नाम होकर ही रह गया। हाशिम अमला और रायल रूसो के बीच पहले विकेट के लिए शानदार 239 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें हाशिम अमला ने 114 और रूसो ने 128 रन बनाए थे। विकेट का इंतजार कर रही कैरिबियाई टीम को 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर रूसो के रूप में पहली सफलता प्राप्त हुई। एक विकेट के नुकसान पर डिविलियर्स मैदान पर उतरे और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। डिविलियर्स के शानदार शॉट्स को देखने वाली हर नजर इस बल्लेबाज की कायल हो गई थी। 39वें ओवर में मैदान पर उतरे डिविलियर्स ने अगले ओवर में 21 रन बनाए और फिर 41वें ओवर में 10 रन इनके बल्ले से निकले। डिविलियर्स ने 42वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था। आगे डिविलियर्स ने देखते ही देखते 15 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया और सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। डिविलियर्स के तूफान में वेस्टइंडीज की पूरी टीम बिखर गई थी। मैच देखने वाले लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी। एक बल्लेबाज मैदान के हर कोने पर शॉट खेल रहा था और सामने वाले 11 खिलाड़ी मूक दर्शक बन गए थे। अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर आउट होने से पहले एबी ने 44 गेंदों में 149 रन बना लिए थे, जिसमें 9 चौके और 16 शानदार छक्के शामिल थे। अफ्रीकी टीम का स्कोर 439 रन पर 2 विकेट था। कप्तान जेसन होल्डर और एक सफलता हासिल करने वाले गेंदबाज टेलर ने मिलकर अपने 19 ओवरों की गेंदबाजी में 186 रन लुटाए थे। वेस्टइंडीज मैच 148 रनों के बड़े अंतर से हार गई थी। हमला के बाद नाबाद 153 रनों के बावजूद एबी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।